भाई नॉर्थ इंडिया के ना कितने सारे लोग इस समय कहीं ना कहीं पे घूमने के लिए निकले हुए हैं। चाहे आप लोग थाईलैंड देख लो क्योंकि वीजा फ्री हो गया, वियतनाम देख लो क्योंकि वीजा फ्री हो गया, श्रीलंका देख लो वीजा फ्री हो गया, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव आल्सो गॉन टू गोवा। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे कैसे पीछे हट जाऊं, इसलिए मैंने भी मुंबई और गोवा जाने का प्लान बना लिया है। एंड विच इज वाई जो हमारी आज की वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ आउटफिट्स विच यू गाइस कैन वेयर इन गोवा। सर गाइस, आई एम नितिन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। भाई हम लोग ऑलमोस्ट एक साल बाद एक ट्रिप ले रहे हैं एंड गोवा गए हुए मेरे को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो इस बार मैं फिर से ट्रिप बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो आउटफिट्स मैं आप लोगों को इस समय शोकेस करने वाला हूँ उनको मैंने डे टाइम और नाइट टाइम के हिसाब से कैटेगराइज कर लिया है। एंड एक बात यहाँ पे आप लोग और बोलना चाहूंगा कि भाई लोग जनरली ना गोवा में प्रिंटेड आउटफिट्स पहनते हैं, यानी प्रिंटेड शर्ट्स बहुत ज्यादा पहनते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे कलेक्शन में आप लोगों को एक भी प्रिंटेड शर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि मैंने कहा कि भाई हम लोग वो चीजें नहीं करने वाले जो कि पूरी दुनिया कर रही है। मेरा टेस्ट होगा थोड़ा सा अलग, हम लोग रखेंगे सिंपल सोबर, लेकिन हमारे आउटफिट्स जो होंगे लगेंगे बिल्कुल क्लासी और साथ ही हम लोगों ने लगना है बिल्कुल फैशनेबल। इसलिए मैंने यहाँ पे जो आउटफिट सेलेक्ट करे हैं वो सॉलिड्स में है, एक आर्ट टेक्सचर वाला भी मिल जाएगा, एक स्ट्राइप भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रिंटेड आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब भाई आप गोवा जा रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों के वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए वो है आप लोगों की सैंडोज। आप लोगों ने मल्टीपल सैंडोज लेकर जाने, जितनी ज्यादा सैंडोज लेकर जाना चाहो उतनी लेकर जाओ। आप लोगों ने कलर कौन कौन सेलेक्ट करने हैं, नंबर वन जो मैंने यहाँ पे अंदर पहना हुआ है विच इज ब्लैक, ये आपको डेफिनेटली लेके जाना है। आपको एक व्हाइट कलर की सैंडो भी रखनी है एंड चाहो तो उसके अलावा एक और कलर की सैंडो आप लोग कोई भी सिलेक्ट करके रख सकते हो, बिकॉज गोवा में जनरली लेयरिंग स्टाइल्स को काफी ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। एंड कहीं पे आप लोग बैठे हुए हो जहां पे आप लोग को मन है कि भाई मैं शर्ट उतार के अपनी बॉडी थोड़ी सी फ्लॉन्ट करूं, वहां पे आप अपनी सैंडो में भी जा सकते हो। उसके अलावा जो मेजोरिटी आउटफिट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे वो शर्ट्स ही होने वाली हैं, क्योंकि हमेशा ही बोलता हूं मैं ये बात कि शर्ट्स बहुत ज्यादा क्लासी लगती हैं एज कम्पेयर टू अ टी शर्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैजुअल स्टाइल आप लोग ऑप्ट मत करो, कैजुअल स्टाइल ऑप्ट करो, टी शर्ट भी पहनो, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग शर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा पहनो, बिकॉज ऑफकोर्स वो आपको एक ज्यादा स्मार्टर लुक देती है। तो भाई सैंडोज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, अब मैं बात करता हूँ हमारे फर्स्ट आउटफिट के बारे में कि मैं क्या पहनने वाला हूँ। तो भाई गोवा में इस समय होगी बड़ी गंदी वाली गर्मी, तो इसलिए द लाइटर शेड यू वेयर ड्यूरिंग द डे टाइम उतना आप लोगों के लिए अच्छा। एंड यहाँ पे मैंने पिक करी है मेरी ये पिंक कलर की मैंडारिन कॉलर शर्ट जो कि है फ्रॉम द ब्रांड डेनिस लिंगो, एंड इसको ऑफ कोर्स मैंने अमेज़न से शॉप किया है। वेरी बजट फ्रेंडली शर्ट। बात की जाए इसकी फैब्रिक क्वालिटी के बारे में तो बहुत ही बढ़िया फैब्रिक क्वालिटी है, स्टिचिंग जो है उसकी वो भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, काफी डिसेंट स्टिचिंग है। एंड इस शर्ट को मैं पेयर अप करने वाला हूँ मेरी डार्क ब्लू डेनिम के साथ में, बिकॉज ब्लू एंड पिंक एक बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है, विच इज वाई एक दूसरे को बहुत बड़ी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड गोवा में डे टाइम के हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा कैजुअल आउटफिट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए और ऑप्शंस अवेलेबल है बॉटम वेयर में, ऑफ कोर्स चाहो तो आप इस पिंक शर्ट के साथ में एक बेज कलर की चीनोस पहन सकते हो, चाहो तो आप व्हाइट कलर की चीनोस पहन सकते हो, लेकिन जो ये कलर कॉम्बिनेशन आएगा वो आई थिंक बेस्ट लगेगा एंड आप लोग ना इसको अच्छे से पुल ऑफ भी कर पाओगे। एंड इसके साथ में आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं अपने व्हाइट कलर के स्नीकर्स। अब आप मेरे को बोलोगे नितिन भाई वैसे तो आप हमेशा अपनी सारी वीडियोस के अंदर कपड़े पहन के दिखाते हो, तो आज क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि भाई इन सभी कपड़ों की एक्चुअल फील गोवा में कैसे आने वाली है मैं आप लोगों को अपने स्टूडियो में शूट करके जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गोवा में जितने भी दिन रहने वाला हूं हर दिन का अलग से व्लॉग शूट करके हम लोग हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके अंदर मैं मेरी स्टाइलिंग डिटेल्स, मैं मेरी ग्रूमिंग डिटेल्स, मैं मेरी आउटफिट डिटेल्स सब कुछ कवर करूंगा। एंड जितने भी कपड़े मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं उन सबको हम लोग स्टाइल करके हमारे ब्लॉग्स में दिखाएंगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं हमारी ट्रिप के जो डेट्स हैं वो क्या है, तो मोटा मोटा भी समझ लो कि आज से 10-12 दिन बाद यानी 3 से 4 मार्च तक आपको हमारे सारे ब्लॉग्स जो है गोवा ट्रिप में मिल जाएंगे। एंड यस, बात की हमारे इस आउटफिट के बारे में तो भाई आपने इसके साथ में पेयर अप करने हैं हमारे व्हाइट कलर के स्नीकर्स। चलो भाई हमारा फर्स्ट आउटफिट तो हो गया कंप्लीट, अब बात है हमारे सेकंड आउटफिट पर। तो हमने यहां पे एक शर्ट कवर कर ली है, अब बात करता हूं मेरी पिंक हेनले टी शर्ट के बारे में। तो भाई ये है फ्रॉम द ब्रांड लिवाइज एंड बहुत ही बढ़िया टी शर्ट है, इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है। इट इज नॉट बॉडी फिटेड, लेकिन यस स्लिम फिट या फिर एक रेगुलर फिट टी शर्ट के हिसाब से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। फैब्रिक क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। अब बात की जाए इसकी स्टाइलिंग के बारे में तो मैं इसको पेयर अप करने वाला हूँ हमारी ब्राउन कलर की शॉर्ट्स के साथ में। एंड आई एम श्योर कि आप लोग देख सकते हो कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना अच्छा लग रहा है। पिंक के साथ में ब्राउन डेफिनेटली अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसके अलावा बात करूं मैं हमारी चीनो शॉर्ट्स की क्वालिटी के बारे में तो भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फैब्रिक इज ऑल्सो प्रीटी स्ट्रेचेबल एंड जो इसका फिट है वो भी जेन्युइनली काफी अच्छा है। एंड अभी तो ऑफकोर्स आप लोग इस वीडियो में नहीं देख सकते बिकॉज यहाँ मैं आपको पहन के नहीं दिखा रहा हूँ, बट जब आप लोग हमारे ब्लॉग से चेकआउट करोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है कितना बढ़िया तरीके से खिल के निकल के आ रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरी, क्योंकि भाई यहाँ पे हेनली है तो आप लोग अंदर एक छोटी नेक चेन पहन सकते हो। उसके अलावा वॉचेस की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे पहन सकते हो अपनी सिल्वर चेन वॉच या फिर आप लोग पहन सकते हो अपनी ब्राउन स्ट्रैप वॉच। एंड उसके अलावा बात करूं मैं यहाँ पे शूज के बारे में तो फुटवेयर में आप लोग यहाँ पे पहन सकते हो या तो व्हाइट कलर के स्नीकर्स या फिर आप लोग पहन सकते हो हमारे ब्राउन कलर के स्नीकर्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि होने वाली है हमारी ये येलो कलर की शर्ट जो कि है फ्रॉम द ब्रांड एलन सॉली। एंड गाइस ये कलर यानी येलो या फिर शेड्स ऑफ येलो जो हमारा समर सीजन अभी आने वाला है समर 2024 उसमें ये कलर काफी ट्रेंडिंग हो सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग इस कलर की या तो एक शर्ट या फिर एक टी शर्ट लेके रख ही लो क्योंकि भैया समर्स बहुत जल्दी आने वाली है। अब बात करूं उसी फैब्रिक क्वालिटी के बारे में तो भाई कॉटन फैब्रिक की शर्ट है हमारी, बहुत ही बढ़िया स्टिचिंग क्वालिटी है। ऑफ कोर्स एलन सॉली ब्रांड है तो स्टिचिंग क्वालिटी तो अच्छी हमें मिलेगी ही मिलेगी।
अब बात करें इसकी स्टाइलिंग के बारे में, तो मैं इस शर्ट को सेल करने वाला हूँ विद माई बेज कलर चीनोज। एंड गाइज ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीनोज है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, इट्स अ स्लिम फिट वन, एंड जो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी जेन्युइनली काफी अच्छी है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपके बॉटम वेयर में स्ट्रेचेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि वो आपको कंफर्ट अच्छा प्रोवाइड करे। अब बात करूँ फुटवेयर के बारे में, तो यार यहाँ पे आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है। नंबर वन, चाहो तो यहाँ पे आप लोग अपने सुएट डर्बीज पहन सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे स्नीकर्स पहन सकते हो, और आप लोग यहाँ पे सैंडल्स पहन सकते हो। जैसे आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप लोग एक बीच पे जा रहे हो तो लोग वहाँ पे जनरली ओपन फुटवेयर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी ज़्यादा होती है, सैंड वाला एरिया है, तो क्लोज शूज की जगह देन यू गाइस कैन गो फॉर एन ओपन फुटवेयर जो कि आपकी सैंडल हो सकती है। लेकिन भैया सैंडल में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एक अच्छे डिज़ाइन वाली सैंडल लेनी है। बचपन में हम लोग जो स्ट्रैप वाली स्पार्क से सैंडल पहनते थे वो आपने इस आउटफिट के साथ में नहीं पहननी। या तो आपने वो सैंडल पहननी है जो कि लेदर मटेरियल की हो, या फिर एक ऐसे मटेरियल की हो या एक ऐसे डिजाइन की हो जो कि पहली बात तो ब्राउन कलर हो, प्लस वो आपके आउटफिट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। तो अब आता है हमारे नेक्स्ट आउटफिट पे, जो कि एक और बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट होने वाला है, विच इज दिस ब्लू कलर की स्ट्राइप टी शर्ट। एंड इसके ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे शेप्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड बात की जाए इसकी स्टिचिंग क्वालिटी के बारे में, तो भाई बहुत ही जेन्युइनली बढ़िया स्टिचिंग क्वालिटी है। फैब्रिक भी कॉटन में काफी कंफर्टेबल, काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड द फिटिंग ऑफ कोर्स यू गाइस विल सी इन द अपकमिंग व्लॉग्स, लेकिन फिटिंग इसके भी है बहुत ही बढ़िया। अब बात करूं मैं इसकी स्टाइलिंग के बारे में, तो इसको मैं पेयर अप करने वाला हूं हमारी नेवी ब्लू चीनो शॉर्ट्स के साथ में। कलर कॉम्बिनेशन लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का नो डाउट बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करोगे। चाहो तो जब आप लोग बीच पे जाके बियर पी रहे हो तब भी आप लोग इस आउटफिट को पहन के जा सकते हो, बट दिस इज मोर रिकमेंडेड जब आप लोग सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलो, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मार्ट कैजुअल आउटफिट। टॉकिंग अबाउट द फुटवेयर, तो चाहो तो इसके साथ में व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहन जाओ, चाहो तो ब्लू कलर के स्नीकर्स पहन जाओ, लेकिन इस आउटफिट के साथ में सैंडल्स को एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि यार मेरे हिसाब से वो बहुत ही इनकम्प्लीट लगेगा। तो भाई जो मेरे लास्ट आउटफिट बचे हैं वो होंगे आपके पार्टी आउटफिट्स, एंड उसमें से भी मैं ये वाला जो आउटफिट है हमारा, जो ये वाली स्टाइलिंग रहेगी, इसको आप लोग चाहो तो डे टाइम में भी वेयर कर सकते हो, दिस इज एन ऑप्शन, बट चाहो तो उसको रात में भी पहन के जा सकते हो। एंड दिस इज अ रेड कलर शर्ट जो कि है फ्रॉम द ब्रांड इंकास, जो कि हमारा अमेज़न का ब्रांड है। इसको आपने एक ओपन शर्टेड लुक में रखना है। इसके अंदर मैं पहनने वाला हूँ व्हाइट कलर के रिब्ड सैंडो। एंड गाइस ये जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। एंड एक चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपकी सैंडो है वो रिब्ड होनी चाहिए ताकि अंदर से भी एक अच्छा टेक्सचर निकल के आए। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शर्ट, तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी ऑफर करी है इस ब्रांड ने। अब बात करूं इसकी स्टाइलिंग के बारे में, तो इसको मैं पेयर अप करने वाला हूं मेरी व्हाइट कलर की चीनो उसके साथ में, विच इज वंस अगेन फ्रॉम अमेज़न ओनली। एंड गाइस ये कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो कि कितना बढ़िया लगेगा। अंदर आपका है ऑल व्हाइट एंड ऊपर आपने लेयरिंग करी हुई है विद अ रेड कलर शर्ट। ऐसे कलर आप लोगों को गोवा में जनरली लोग पहने हुए नहीं दिखेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। आप लोगों को फ्लोरल बहुत ज्यादा दिखेगा, हो सकता है आप लोगों को सॉलिड कलर्स भी दिख जाएं, लेकिन कलर लाइक रेड इन अ प्लेस लाइक गोवा शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिले, विच इज वाई यू गाइस आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड आउट जब आप लोग इसको पहन के जाओगे। तो अब बात कीजिए फुटवेयर के बारे में, तो भाई बहुत ही सिंपल है, अंदर ऑल व्हाइट है तो व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहन जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चाहो तो आप लोग ब्राउन कलर के स्नीकर्स भी पहन सकते हो, क्योंकि वो हमारे रेड कलर को और हमारे व्हाइट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, सो इट्स कंप्लीटली योर कॉल। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट आउटफिट पे, जो कि होने वाली है हमारी ये पिस्ता ग्रीन कलर की शर्ट। एंड गाइस ये बहुत ही बढ़िया शर्ट है। टेक्सचर की बात की जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है देखने में, अनडाउटेडली फिटिंग भी इसकी बहुत ही बढ़िया आएगी, विच ऑफ कोर्स वंस अगेन यू विल सी इन द अपकमिंग व्लॉग्स, लेकिन जेन्युइनली ट्रस्ट मी ऑन दैट कि फिटिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो इसकी स्टिचिंग क्वालिटी है वो भी आएगी आपकी बहुत ही बढ़िया। अब बात कीजिए इसकी स्टाइलिंग के बारे में, तो मैं इसको पेयर अप करने वाला हूं वंस अगेन मेरी व्हाइट कलर की चीनोस के साथ में, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमारा जो पिस्ता ग्रीन कलर है व्हाइट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे। एंड यू गाइस विल डेफिनेटली स्टैंड आउट जब आप लोग इस आउटफिट को पहनेंगे, किसी क्लब में जाओगे, किसी पार्टी में जाओगे। अल्टरनेटिवली आप लोगों के पास में यहाँ पे एक और स्टाइलिंग अवेलेबल है, जो हमारी यहाँ पे व्हाइट कलर की सैंडो थी, उसको आप लोग इस आउटफिट के साथ में भी पहन सकते हो, एंड इस शर्ट को आप लोग यूज कर सकते हो लेयरिंग के लिए। फुटवेयर वंस अगेन बहुत ही सिंपल रहेगा, चाहो तो ब्राउन कलर के स्नीकर्स पहन लो या फिर व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहन लो, दोनों ही इस पर्टिकुलर आउटफिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब आता है हमारा लास्ट आउटफिट, जो कि होने वाला है एक काफी क्लासी आउटफिट। भाई आप लोग गोवा जा रहे हो, पार्टी अटेंड करोगे, तो ब्लैक आप लोगों के वार्डरोब में डेफिनेटली होना चाहिए, विच इज व्हाई आई एम हैविंग दिस ब्लैक शर्ट, जो कि आप लोग डेफिनेटली अपने पास में लेके जरूर जाना, क्योंकि कोई ना कोई क्लब ऐसा होगा जहां पे वाइब थोड़ी सी क्लासी होगी, वहां पे आप लोगों को अपनी ब्लैक शर्ट पहन के जरूर जानी है। अब बात करूं अगर मैं इसकी स्टाइलिंग के बारे में, तो आप लोग इसको पेयर अप कर सकते हो विद अ पेयर ऑफ व्हाइट चीनोज, ऑफ कोर्स विदाउट एनी सेकंड थॉट्स डेफिनेटली पहन सकते हो। इसके साथ में आप लोग एक लोफर कैरी कर सकते हो, जो कि आपके लुक को बहुत ही क्लासी रखेगा। लेकिन अगर आप लोग व्हाइट कलर की चीनोज नहीं पहनना चाहते, तो इसके अलावा आप लोग ये बेज कलर की चीनोज भी डेफिनेटली पहन सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश करेगी। अब यहां पे फुटवेयर की बात की जाए, तो यहां पे
चाहे आप लोग एक लोफर पहन लो, चाहे वो ब्राउन कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, या फिर आप लोग व्हाइट स्नीकर पहन लो, ये आउटफिट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। एंड किसी भी क्लब के लिए जो कि गोवा में है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लासी आउटफिट। सो गाइस, ये थे मेरे वो सभी आउटफिट्स जो कि आप लोग स्टाइल कर सकते हो इन गोवा, जिसमें से मैंने 3, 1, 2 एंड 3 शेड्यूल करे हैं आप लोगों के नाइट टाइम के लिए, फिर पार्टी टाइम के लिए, एंड बाकी आउटफिट जो है आप लोग अपने दिन के टाइम में पहन सकते हो। सो गाइस, दिस वाज इट इन टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए, एंड स्टार्टिंग में मैंने सैंडो की जो बात करी थी उसको प्लीज ध्यान में रखना, एंड इन सबके लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप, एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि इन सभी लुक्स में से आपका फेवरेट लुक कौन सा था। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाले व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास में डेफिनेटली पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है द क्लासिक अफेयर। एंड गाइस, मेरे पूरे ट्रिप के जो शॉर्ट व्लॉग्स हैं, यानी जो लंबे वाले व्लॉग्स नहीं, जो हमारे गेट रेडी विद मी वीडियोस हैं छोटी वाली, उनको भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूं। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ओवर देयर। सो गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।